कि वह मृत्यु का नाश करता है, नंबर टू उसका सुसमाचार जीवन को, और नंबर थ्री अमरता को प्रकाशित करता है। अब यहां पर हमें यह बात समझनी है कि तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। नंबर वन कि मृत्यु से छुटकारा अर्थात मृत्यु का नाश, दूसरी चीज जीवन में प्रवेश, और तीसरी चीज अनंत जीवन में प्रवेश। और ये तीनों की तीनों चीजें परमेश्वर की ओर से उनके आवश्यकता महसूस करने वालों के लिए ये इनाम स्वरूप है जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के अंदर छुपा के रखा हुआ है। अब यहां पर हमने पहली चीज प्रकट होने की बात आपके सामने रखी, दूसरी चीज जो है मृत्यु का नाश रखा हुआ है, और तीसरी चीज जीवन का प्रगटीकरण है, और फिर चौथी चीज जो है अनंत जीवन को प्रकाश में लाके मनुष्य को ये भेंट स्वरूप दी जाने वाली अमानत है जो प्रभु परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और इससे पहले वाले सत्र में हम मृत्यु और जीवन के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे थे, हम उसको फिर से दोहराना चाहते हैं थोड़ा सा, जिससे कि एटलीस्ट आपके पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आ जाएं, जिससे कि आपको सोचने का मौका मिले। यह मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु हमारी अपनी धारणा होती है कि मृत्यु का मतलब जब हम कांधे में सवार होकर के जाते हैं, जी नहीं, ये शारीरिक मृत्यु मृत्यु नहीं है, अपितु मृत्यु को परमेश्वर पिता ने अपने होठों से अंगीकार किया था। उस समय जब अदन के बगीचे में परमेश्वर पिता ने आदम को बाखूबी मट्टी के पात्र में अपनी ही आत्मा और स्वभाव को उसने डालकर उत्पत्ति 1:26 के अनुसार ये बातें पूरी कर दी कि आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाएं। और कल हमने देखा कि स्वरूप का मतलब जो रूप परमेश्वर का है वही रूप मनुष्य का भी है। तो परमेश्वर का क्या रूप है? यूहन्ना 4:24 में प्रकाश में आती हैं बातें कि परमेश्वर तो आत्मा है, इसलिए आत्मा का रूप आत्मा होता है। तब जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 में कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप मतलब स्वतः के रूप के अनुसार बनाएं, तो हमें यह खोजना चाहिए कि वास्तव में परमेश्वर का रूप क्या है कि उसकी तुलना में मनुष्य भी उसी रूप में बनाया गया। तब हमने देखा कैसे परमेश्वर आत्मा है, तब आत्मा का रूप आत्मा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो वो कोई हड्डी और चमड़े के रूप में हम परमेश्वर का रूप नहीं देखते हैं, वो तो आत्मा है। इसलिए परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मनुष्य को भी आत्मिक रूप में सिर्जा, पर इस आत्मा को रहने के लिए एक जगह चाहिए, और उस जगह को उसने माटी के पुतले में से बनाया, अर्थात अदन के बगीचे से माटी इकट्ठा कर पानी डाल उसे सान कर ये आकृति दी जो आज आप कुर्सी पर बैठा हुआ खड़ा हुआ देख रहे हैं। और जब हम समानता की बात करते हैं तो वो समानता जो परमेश्वर के अंदर थी, अर्थात ईश्वरीय गुणों की समानता जो स्वभाव परमेश्वर के अंदर था, वो करुणा निधान, दया से भरा, प्रेम से भरा, शांति का राजकुमार और उपाय करने वाला परमेश्वर, पवित्र, चंगा करने हारा, अर्थात यूं कहें कि जो जो गुण परमेश्वर के अंदर थे वे सारे गुणों की ये समानता में मनुष्य की आत्मा के साथ ईश्वरीय गुणों को जोड़ करके रखा परमेश्वर पिता ने, और इन दोनों अस्तित्व को
स्वरूप अर्थात आत्मा, समानता मतलब परमेश्वर का स्वभाव, इन दोनों अस्तित्वों को जो आत्मा के साथ प्राण के रूप में, स्वभाव के रूप में, अनुभूति के रूप में जुड़े रहते हैं, उसे माटी के पुतले के अंदर नथनों में जीवन का श्वास डालने के रास्ते इस आत्मा और स्वभाव को इस मिट्टी के पुतले के अंदर उसने इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया, उंडेल दिया, भर दिया, मसा दिया। अब सवाल यह है कि उसने मिट्टी के पुतले को इस रूप में बनाने के पीछे आखिर क्या विचारा होना चाहिए, क्यों ऐसे बनाया? सूंड बना देता, बड़े बड़े कान बना देता सुनने के लिए, डायनासोर बना देता, डायनासोर जैसा आदमी रहता तो क्या दिक्कत थी? ऐसी आकृति क्यों बनाई उसने मिट्टी की कि उसमें वह अपना आत्मा और श्वास डालता? उसका कारण है, उसने पहले यह कल्पना किया कि मुझे मालूम है इस आत्मा और स्वभाव को मैं जिस भी शरीर में डालूंगा, यह शैतान मेरा प्रतिद्वंदी आकर उसे आज्ञा के उल्लंघन में ले जाएगा और उसे पाप में गिरा देगा और उसे पाप से छुटकारा मुझे दिलाना पड़ेगा। यह मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर जानता था, इसीलिए लिखा है उस मेमने की उत्पत्ति जगत से पहले जानी गई। जगत को बनाने से पहले परमेश्वर को यह मालूम था कि जब जगत पाप में गिर जाएगा तो उसकी मुक्ति के लिए मुझे उद्धारकर्ता बनाना पड़ेगा, मुक्तिदाता बनाना पड़ेगा, और वो मुक्तिदाता को मैं इस संसार में जन्माऊंगा तो उसका क्या रूप होना चाहिए, उस रूप की कल्पना भी प्रभु कर रहे थे। और यहोवा परमेश्वर जिसे परमात्मा कहते हैं, वो सोच करके कि मुझे अपने ही रूप को इस संसार में प्रकट करने के लिए शायद जिस रूप में मुझे यीशु मसीह को धरती पर पैदा करना पड़ेगा उसकी कल्पना सृष्टि के पहले भी उसने अपने जहान में कर रखा था। तब ये सोचा कि मैं जैसे अपने आप को मानव रूप में इस धरती पर भेजूंगा यीशु बनाकर, तो उसी की नकल में मैं एडवांस में आदम को सृज करके रखता हूं, तो इससे पहले कि मानव पैदा होता मानव को उद्धार दिलाने वाले उद्धारकर्ता की शक्ल जिस रूप में धरती पर आने वाली थी उसकी शक्ल में परमेश्वर पिता ने अदन के बगीचे में आदम को माटी के रूप में सृजा था। यह मत कहना कि आदम के शरीर की समानता में यीशु ने धारण किया अपने आप को, परंतु यह कहना चाहिए यीशु जो होने वाला था उसकी समानता में आदम को पहले ही बनाकर माटी के पुतले के रूप में रखकर उसने अपनी ही आत्मा और स्वभाव को उस मिट्टी के बर्तन को जो यीशु का रूप है उसे उसके अंदर डाल करके अदन के बगीचे में लाके खड़ा कर दिया। परंतु ये शरीर जो यीशु की नकल थी जिसमें मानो परमेश्वर अपनी आत्मा और स्वभाव के रूप में आदम के जीवन से होकर के चल रहा है, वह ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। परमेश्वर पिता ने उससे कहा था, हमने कल बताया आपको कि मैं तेरी परीक्षा इस बात में करूंगा कि यदि तू मेरे लिए समर्पित रहे तो यह दैवीय आचरण तेरे अंदर विद्यमान रहेगा, परंतु जिस दिन तू मेरी बातों के प्रति समर्पण को वापस ले लेगा तो यह ईश्वरीय स्वभाव तेरे जीवन से समाप्त हो जाएगा, जिसे उसने मृत्यु नाम से संबोधित किया और कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन निश्चय मर जाएगा, जिसे आपने उत्पत्ति की किताब में और उसके दूसरे अध्याय के 16वें पद में देखा कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। और आदम ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था,
और इससे पहले हमने आपको बताया था किस रीति से वो गिराया हुआ स्वर्गदूत जो एक समय अभिषिक्त छाने वाला करूप था, जिसे कई लाख प्रकाश वर्ष पहले परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से अर्थात तीसरे आसमान से गिरा दिया, जिसने इस सृष्टि को जो 6000 साल पहले रिक्रिएट की गई है उससे पहले वाली पृथ्वी को कैसे पाप में ढकेल कर उसे जलमग्न करने के लिए परमेश्वर को विवश कर दिया और वह बंधुआई में जाकर मध्य आकाश में अपना सिंहासन बनाकर दूसरी पृथ्वी का इंतजार करते रहा, जिसे परमेश्वर ने आदम के स्वरूप में 6000 वर्ष पहले ये दूसरी पृथ्वी को रिक्रिएट किया। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, पृथ्वी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। बस ये पृथ्वी बेडोल थी अर्थात कुरूप दशा में थी, और परमेश्वर कभी किसी चीज को कुरूप नहीं बनाता। और यदि ये पृथ्वी बेडोल हो गई तो इससे ऐसा पता चलता है सुनिश्चित रीति से इस पृथ्वी के ऊपर न्याय आया था, जिसके कारण ये पृथ्वी बेडोल पड़ी थी। ये पृथ्वी 6000 साल पुरानी नहीं है, कई लाखों साल करोड़ों वर्ष पुरानी पृथ्वी है। इससे ऐसे ज्ञात होता है कि सुनिश्चित रीति से ये मानव जिसकी उत्पत्ति 6000 वर्ष पूर्व हुई आदम के द्वारा, इससे पहले भी सृष्टि पर कुछ रचनाएं थीं, जिसको इस लूसीफर ने अपने गिराए जाने के बाद उसे पथभ्रष्ट कर दिया और उसे न्याय की अग्नि में ढकेल दिया और वो पहली पृथ्वी जलमग्न होकर के नष्ट हो गई। तब परमेश्वर पिता ने फिर से इस दूसरी पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी को नहीं बनाया वरन रिक्रिएट किया, सुधारा उसको, फिर से बनाया, पृथ्वी में से पानी में से उभारा, थल कल अलग किया, जल अलग किया, और फिर आदम का बगीचा और खूबसूरत पेड़ पौधे जीव जंतु बनाकर आदम को सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में रख दिया और कहा, जब जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं ये जानूंगा कि वाटिका के हर वृक्षों के फल को तो तुम खाते रहना, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम मत खाना। मत खाने का मतलब होता है मत खाना, जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। ये कंडीशन परमेश्वर पिता ने आदम के सामने रख दिया और आदम ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। यही लूसीफर जिसने पहली पृथ्वी को नाश किया, स्नेक या सर्फ के शरीर में प्रवेश होकर उसकी बुद्धि को इस्तेमाल किया कि हवा के मन में फल की सच्चाई रख दे, और ज्यों ही फल की सच्चाई हवा के सामने रखी गई, हवा ने फल तोड़ने के लिए अपने आप को रोक ना पाया। उसने तीन महत्वपूर्ण काम किए थे। सबसे पहले सर्फ में होकर इस कुशाग्र बुद्धि ने सवाल किया हवा से, क्या परमेश्वर ने तुम्हें फल खाने के लिए मना किया है क्या कोई? हवा ने कहा, ना 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 ना, हम सब खा सकते हैं, परंतु एक फल है जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, उसको तुम नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। ये घटना हमें उत्पत्ति की किताब उसके तीसरे अध्याय में मिलती है, तब दूसरे पद से। तब सर्फ ने स्त्री से कहा, वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हवा ये जानती थी। तब सर्फ ने स्त्री से कहा, निश्चित ना मरोगे, पहली खात्री तुम निश्चित ना मरोगे, दूसरी चीज वरन परमेश्वर आप ही जानता है। अब यहां पर कंडीशन डाल दिया परमेश्वर को गवाह ठहराकर कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये दूसरी बात उसने प्रकाश में लाया, और तीसरी बात यह है, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये तीन बातें सर्फ में होकर
उस लूसीफर ने जो अभिषिक्त करूब था हवा के सामने रखा, ये कहां तक सही और कहां तक गलत है। नंबर वन कि तुम नहीं मरोगे, और कल हमने देखा कि वास्तव में फल खाने के बाद आदम 930 साल तक जिंदा था शरीर में, ठीक है, वह शारीरिक दशा में नहीं मरा। अब आप बोलेंगे कि आत्मा में मर गया, तो कल हमने यह भी प्रकाश में लाया कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। नहीं तो धनवान पानी नहीं मांगता, आंख उठाकर नहीं देखता। असंख्य आत्माएं आज भी या तो अधलोक में या सुखलोक में विश्राम पा रही हैं या जलन महसूस कर रही हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, वो अमर अस्तित्व है। शरीर भी नहीं मरा, आत्मा भी नहीं मरी, तो क्या मर गया? प्राण, जिसका केंद्र बिंदु दिमाग है, वो भी जिंदा है, वो भी नहीं मरा। फिर क्या मर गया? बस जब शरीर जिंदा है, प्राण जिंदा है, आत्मा जिंदा है, तो फिर मर क्या गया? भ्रांति में पैदा कर दिया है। आज तक मसीही समुदाय के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का विषय यह है कि वे वास्तविक रीति से मृत्यु की परिभाषा समझ ही नहीं पा रहे हैं। वास्तव में मृत्यु है क्या चीज? शरीर नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती, मन दिमाग नहीं मरता, तो फिर मर क्या गया? जी हां, मर क्या गया, इस बात पर हम विचार कर रहे हैं आज। जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। सर्फ ने कहा ना मरोगे, झूठ बोला? सही बोला उसने, बिल्कुल सही बोला, कुछ भी तो नहीं मरा। पर जो मर गया है किसी को आइडिया नहीं है। बाइबिल पढ़ के दीमक समान हम खा गए, अभी तक अपने को भी आइडिया नहीं है आखिर मर क्या गया। अब आप बताइए, दूसरी बात उसने बोला, परमेश्वर आप ही जानता है। ले, मेरी बात ना मानो तो मत मानो, एटलीस्ट परमेश्वर की बात तो मानोगे ना। तुम्हारे परमेश्वर आप ही जानते हैं कि वो तुम फल खाने के बाद में जब तुम उसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब आप बताइए, जब फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी, ये सच है या गलत है? सच है, क्योंकि आंखें खोलने वाला तो फल है ये। भला और बुरा खा करके उन्होंने भले और बुरे का ज्ञान पा लिया। शैतान सच बोला झूठ बोला? जोर से बोलिए, सच बोला। खामोखा आप उसको झूठा आरोप लगाते हैं, वो सच ही बोलता है। मूर्ख वो नहीं अपन है जो जबरदस्ती खा लेते हैं। आगे चलिए, अब तीसरी बात उसने ये कहा कि तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम फल खाने के बाद परमेश्वर के तुल्य हुए क्या? जी नहीं हुए। अच्छा ठहर जाइए, आपके सवाल का हम उत्तर देना चाहते हैं। यदि आप तीसरे अध्याय के 21वें पद को पढ़ें, यस, उत्पत्ति 3:21 वहां लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा 22 पढ़िएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अभी तक नहीं था, फल खाने के बाद हो गया। हेलो, फल खाने के बाद हम में से एक के समान हो गया है, क्या मतलब है? यस, नहीं था ना, तो फिर दिक्कत क्या थी? परमेश्वर खाने दो ना हमको फल, कि आप नहीं चाहते कि हम आपके समान हो जाएं? हाँ, याद रखिएगा, वो तो ऑलरेडी परमेश्वर के समान था। सुनिए जी, वो ऑलरेडी परमेश्वर के समान था। उत्पत्ति 1:26 में हम देख लिए कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता और स्वरूपता में बनाएं। परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है। परमेश्वर ईश्वरीय दैवीय शक्ति है, दिव्य बुद्धि है, दिव्य ज्ञान है, मनुष्य के अंदर में भी वही समानता थी। परंतु
ये सारे अधिकार जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर भर के रखे थे वह एक शर्त पर थे, जब तू मेरी आज्ञा के पालन के लिए समर्पित होकर के जिएगा तो मेरी दिव्य ईश्वरीय शक्ति तेरे जीवन पर निरंतर काम करती रहेगी। परंतु जिस दिन तू मेरी आज्ञा को तोड़ देगा उस समय मेरी अधीनता में जो ईश्वरत्वता तेरे अंदर समाई हुई है वह तो चोरी हो जाएगी, परंतु तू स्वयं में ईश्वर बन बैठने के लिए तू मेरे समान एक क्षेत्र में अर्थात बुद्धि में तू मेरे समान बन जाएगा। याद रखिएगा परमेश्वर की एक योग्यता है वह बुद्धिमान परमेश्वर है। आज की तारीख में मनुष्य ने अपनी बुद्धि में इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है कि हम देखें तो आज की तारीख में परमेश्वर पर विश्वास लाना वैज्ञानिक लोगों के लिए बड़ा कठिन हो गया है। एक जमाना था रेडियो में आवाज आती थी दुनिया उसे सुनती थी, टीवी आ गई, इंटरनेट आ गया। हाँ, आजकल ऐसी टीवियाँ आ गई हैं जिसमें रिमोट भी नहीं लगता है, उंगली में एक छल्ला पहन लो और टीवी की तरफ उंगली बढ़ा करके सोचना कलर ज़्यादा हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, 8 नंबर चैनल शुरू हो जाए, बोलना नहीं सोचना और टीवी काम करना शुरू कर देगी। अब मनुष्य डिसअपियर होने का सिस्टम अपना रहा है, ये शरीर को वह थोड़े से में भाप बना के किसी दूसरी जगह निकाल लेगा, भाई साहब हवाई जहाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। विज्ञान इतनी तरक्की में, क्लोन बना लिया, क्लोन आदमी जैसा आदमी बना लिया, वो तो सरकार अनुमति नहीं दी, नहीं साहब आपके घर में आपका रूप नौकर बन करके रहता। कंप्यूटर की बात खत्म हो गई, रोबोट की बात खत्म हो गई, हड्डी चमड़ा का सोचने और जवाब देने वाला आदमी हमारे चमड़े से काट करके मानव ने बना लिया है और सृष्टिकर्ता को चुनौती दे रहा है, तू आदमी बना सकता है तो डुप्लीकेट में भी बना सकता हूं। समझ में आ गई बात, हम में से एक के समान हो गया है, इतना विकसित वाला हो गया है मानव। बताओ मंगल ग्रह में जाकर के जीवन ढूंढ रहा है और उसको कल्पना हो गई ऐसी कई और पृथ्वियां होंगी दूसरे आकाश मंडल के अंदर में, जरूर वहां जीवन होना चाहिए। उड़नतस्तरी की भोपाली हमने सुनना शुरू कर दी। मनुष्य परमेश्वर को चुनौती दे रहा है, दाद दे रहा है। अब हमने डीएनए का नंबरिंग कर लिया है, बहुत कम समय के अंदर आपको अमर बनाने की दवाई इंसान निकाल लेगा, आदमी मरेगा ही नहीं। कांच का घर बनाकर 16 किलोमीटर ऊपर में प्राकृतिक शहर बनाने की बात कर रहे हैं अमेरिका महोदय, जहां खुद वर्षा होगी, सूरज भी उगेगा, जहां सब चीज क्रियाएं चलती रहेंगी। स्काईलैब जब गिरने वाला था हमने कुछ ऐसे ही ग्रह बना लिया, कांच का प्राकृतिक ग्रह आसमान में छोड़ देंगे, साल दो साल जब धरती बिगड़ के सुधर जाएगी हम फिर से आके अपने बाल बच्चे धरती पर पैदा करेंगे। और या ओबद्या की किताब में लिखा है, हे मानव यदि तू आकाश में भी घोंसला बना के रहेगा और तारागणों में चढ़ जाएगा तो मैं तुझे आसमान से गिरा दूंगा, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, मनुष्य परमेश्वर के समान बन गया है, ऐसी पृथ्वी आसमान में बसाने की कोशिश कर रहा है। फल खाने ने हमारी आंखें खोल दिया, परमेश्वर ने, शैतान ने जो बोला था वो गलत नहीं था। भ्रांति में मत रहना, मनुष्य सेल्फ डिपेंड होकर के ईश्वर बन गया है, हैं कर्म ही पूजा है, शक्ति ही परमेश्वर है, आज अपने ज्ञान को ईश्वर बना बैठा है मानव। परंतु बाइबिल का परमेश्वर कहता है इस संसार के अधिपति ने मनुष्य के खून पर अपना अधिकार जमा कर उसे सच्चे परमेश्वर से अलग कर दिया। मृत्यु हो गई, स्वभाव मनुष्य का चोरी हो गया। यहां लिखा है जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। क्या मर गया? शरीर जिंदा है, आत्मा जिंदा है, प्राण भी जिंदा है, परंतु वह स्वभाव जो परमेश्वर ने अपनी समानता में मनुष्य के पुतले के अंदर डाला था, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे ईश्वरीय आचरण जो मनुष्य के परमेश्वर के स्वभाव की तुलना में समानता है, वह मनुष्य जीवन से खो गया।
अरे रोबोट बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, ये बना लिया, प्रेम पैदा नहीं कर पाया मनुष्य। आज प्रेम रहित जीवन है मनुष्य का, आनंद नहीं है मनुष्य जीवन में। मुंह लटका के झंडे की तरह हम अपना सिर नीचे किए हुए हैं, नो जॉय। मेरे प्रियो, ईश्वरीय स्वभाव चोरी हो गया, ये था मृत्यु। सुनिए जी, मृत्यु का मतलब यह है कि फल खाने के बाद जो ईश्वरीय गुणों की समानता मनुष्य जीवन के स्वभाव में थी, वो स्वभाव शैतान ने फल खिलाकर मनुष्य को भटकाकर उससे ईश्वरीय स्वभाव चोरी कर लिया। और जैसे ही ईश्वरीय स्वभाव, जिसे हम प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये स्वभाव हुआ, और इसके ऊपर वो नौ वरदान जो पहला कुरंथियों उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं, वे सारे ईश्वरीय सामर्थ के प्रगटीकरण के नौ फल और नौ वरदान नाम का स्वभाव मानो शैतान ने हमको फल खिलवाने के रास्ते छोड़ देने के चलते हमारे जीवन से ईश्वरीय स्वभाव को चोरी कर लिया। और जैसे ही ये नौ फल और नौ वरदान हमारे जीवन से जाते हैं, हमारे जीवन पर शरीर के नौ स्वभाव, सुनो, शरीर के काम तो प्रकट हैं, लुचपन, चोरी, ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, मारपीट, झगड़ा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, पान, चालबाजी, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, ये सब विरासत में मिली हुई अमानत। या यूं कहो कि परमेश्वर का स्वभाव जैसे ही मनुष्य जीवन से जाता है, दुष्टता का स्वभाव मनुष्य जीवन के अंदर में चला जाता है, आता है। इस दोहरे क्रिया को मृत्यु कहते हैं। मैंने आज तक कहीं भी मृत्यु की परिभाषा नहीं सुनी, परंतु ये पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो कि उसने ये प्रकाश आपके सामने लाया। मृत्यु, पिन पॉइंट ध्यान से सुने, मृत्यु फल खाने के बाद जो आई, ईश्वरीय स्वभाव का मनुष्य जीवन से निकल जाना, जिसके कारण शैतान का स्वभाव, जिसे हम शरीर के काम के रूप में जानते हैं, मनुष्य के खून में, उसके डीएनए में, उसकी हेरिडिटी में, उसकी आनुवंशिकता के अंदर प्रवेश हो जाना मृत्यु कहलाता है। समझ में आ गई? मृत्यु का मतलब ईश्वरीय स्वभाव का जाना और शैतान के स्वभाव का आना, जिसे आप अपने स्वभाव के नाम से संबोधित करते हैं। और मेरा प्रभु कहता है, मसीह यीशु के प्रकट होने से प्रकाश हुआ और इस प्रकाश ने मृत्यु का नाश किया। पिन पॉइंट जरा गौर से सुने, मृत्यु का नाश किया। अब आप बताइए, मृत्यु का नाश का मतलब क्या होता है? इन विषयों पर कई जगह नुक्ताचीनी है, परंतु यह उस समय होती है जब अपने नम और मंद बुद्धि से इन संदेशों को सुनने का प्रयास करते हैं। यदि आप जागृत मन से इसे सुने तो आपको कभी भी भ्रांतियां नहीं होंगी। मृत्यु फल खाने के बाद ईश्वरीय स्वभाव के जाने और शैतान के और दूषित आचरण के मनुष्य जीवन पर आने के प्रोसेस को हम मृत्यु के नाम से जानते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी हम आपके सामने रखेंगे, तब आप इस मृत्यु के नाश की चर्चा सुनते हैं। मृत्यु का नाश किया किसने? मसीह यीशु के प्रकट होने से, पैदा होने से नहीं, प्रकट होने से। पैदा होने और प्रकट होने में अंतर है। जब हम मसीह में आएंगे तब हम इसका स्पष्टीकरण आपके सामने रखेंगे। इसमें भ्रांति में मत रहना, ध्यान पूर्वक इसे सुनना। चलिए साहब,
तो यीशु मसीह का या मसीह यीशु का इस संसार में प्रकट होने के पीछे लक्ष्य क्या है? कि वह मृत्यु का नाश करे। पहला प्रोसेस, मृत्यु का नाश करे। तो मृत्यु क्या हुई भाई साहब? ईश्वरीय स्वभाव के जाने से शैतान के स्वभाव का आना, मृत्यु हुई। तब आप बताइए मृत्यु के नाश का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि इसका रिवर्स चलिएगा, कि शैतान के कामों को नाश करना और परमेश्वर के आचरण को इंजेक्ट करना, जीवन। यदि मृत्यु परमेश्वर के स्वभाव के जाने और शैतान के स्वभाव के आने का नाम है तो जीवन उल्टा चलो। जोर से बोलिए, उल्टा चलो जल्दी से। शैतान के स्वभाव का जाना आपको ना 50/100 मिले, 50 कट गए। क्यों कटे? एक बात बोलिए, अंधेरा पहले जाएगा बाद में उजियाला आएगा, कि उजियाला पहले आएगा फिर अंधेरा जाएगा? हैं, कौन सी चीज पहले आएगी? उजियाला। अब आप बताइए, शैतान का स्वभाव पहले जाए तब ईश्वर का स्वभाव आए, कि ईश्वर का स्वभाव आए तब शैतान का स्वभाव जाए? हाँ, राइट। अब आप बताइए यीशु मसीह के प्रकट होने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्यों? वो ईश्वर के स्वभाव को धरती के अंदर प्रकट करेगा, जिससे कि शैतान के स्वभाव का अंधेरा मनुष्य जीवन से समाप्त हो जाएगा। मेरे यीशु मसीह के प्रकट होने और पैदा होने के पीछे यही एक महत्वपूर्ण दर्शन है, जहां वह ईश्वरीय स्वभाव को अपने में रखकर धरती पर आए और मनुष्य को वो उजियाला दिखाए कि वे उसके समान अंधकार से दूर रहने वाले जीवन की शुरुआत करने पाए। चोर चोरी करने आता है, उसने चोरी किया आदन के बगीचे में, इसके बाद उसने घात करने का अधिकार पा लिया। और कल हमने आपको बताया था कैसे ईश्वरीय स्वभाव के चोरी होने से घात की विरासत उसने हमारे खून के अंदर डाल दिया। कैसे ईश्वरीय स्वभाव, अब आप बताइए, प्रेम चला गया तो प्रेम की जगह में क्या आएगा? प्रेम का उल्टा बोलो, गुस्सा, है ना। शांति चली गई, उसके स्थान पर क्या आएगी? अशांति। आशा चली गई, उसके जगह में क्या आएगी? निराशा चली आएगी। चंगाई चली गई, उसकी जगह क्या आएगी? बीमारी आएगी। अब आप बताओ बीमारी क्यों आई? चंगाई, उल्टा चलो फिर, बीमारी क्यों आई? चंगाई चली गई। निराशा क्यों आई? आशा चली गई, है ना। गरीबी क्यों आई? प्रॉस्पेरिटी चली गई। हाँ, धन चला गया, धन चोरी हो गया मसीह के स्वभाव से। मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। ये थी आशीष परमेश्वर ने आदम को दी थी। ये पृथ्वी तुम्हारी है, चांद सितारे तुम्हारे हैं, घोड़े गधे तुम्हारे हैं, सब कुछ मैंने तुम्हारी विरासत बना के दिया है। परंतु हम खुद ही सोने के गुलाम हो गए हैं। सोना हमारा गुलाम होना चाहिए, हम सोने के गुलाम हो गए हैं। चोरी हो गया अधिकार, उस कुंजी को शैतान ने चोरी कर ली और मृत्यु नाम से हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे खून में गुलामी को डाल दिया। अब आप बताइए कौन से धर्म के लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं होता है? सबको ना। कौन सी जाति के लोगों को शुगर नहीं होती? होती ना। कौन से देश के लोगों में मियां बीबी में झगड़ा नहीं होता? सबको ना। कौन सी संस्कृति में बढ़ने पढ़ने वालों के बीच में सास बहू के बीच में 36 का आंकड़ा नहीं है? है ना, सबके पास में है। दिस इज द यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये ईसाई जाति का, हिंदू जाति का, भारत देश का, पाकिस्तान देश का, जापान देश का प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मृत्यु एक आदम के फल खाने से मानव योनि में जन्मे हुए हर एक इंसान के लिए स्वभाव में विकृति एक सी है। भाषा में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, बोलचाल में परिवर्तन, लहजे में परिवर्तन हो सकता है, परंतु स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। कोई अंग्रेजी में गाली बकता है, कोई मराठी में, कोई हिंदी में, कोई गोंडी में। गाली तो गाली होती ना रे बाबा, अंग्रेजी में बोलो, चाहे तमिल में बोलो, चाहे मलयालम में बोलो, है ना।
यस, गुस्सा अंग्रेजी में हो तो चेहरा खिल जाता है और हिंदी में हो तो लटक जाता है क्या? ना ना, किसी भी भाषा में गुस्सा करो आंख तो बाहर निकलेगी और होंठ तो ऐसे ऐसे हिलेंगे ही। हाँ, रिएक्शंस एक से हैं, भाषा कुछ भी हो समस्याएं एक सी हैं। राजा का बेटा अंग्रेजी में गाली बकता है, गोंड गंवार लोग मट्टी खेल करके नंगेपन में कुछ दूसरे तरीके से गाली बकते हैं, है ना। अरे चमार का बेटा भी जब भूख लग जाता है, बिल्कुल कटर पिल्ला छोटा सा डेढ़ बिल्लस का भूख लगी तो टर्न टर्न करके धीरे धीरे पहले रोता, मतलब भूख लग गई जल्दी आओ ठीक है, और इसके बाद में थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट और लेट हो गया ना मामा को, बोलती 2 प्लेट और हैं बेटा धो ही लेती हूँ, गीला हाथ है फिर सुखाऊंगी फिर गीला हो जाएगा थोड़ी देर और। 1.5-2-3-4-5 मिनट के अंदर में बच्चा इतना जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, ओहो पूछो मत, ना पूरा आँख बंद कर देता वैसी चीनी जैसे दिखती है। उसके बाद में नाक के छेद से भी कुछ बह रहा है, आँख से भी बह रहा है, मुँह से भी बह रहा है, जितने भी छेद सब लीकेजेस हो जाते हैं। और इसके बाद में मुट्ठी को बंद करता ऐसा और जोर से सामने करता ढुसुम और पैर उठा के फिर यूं मारता, ऐसा बोल के चारों हाथ पैर चल रहे हैं। एक बार आवाज लगाई तुझे समझ में नहीं आया, बार बार लगाना पड़ता क्या? 5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए पुकार रहा हूं, बोल तो सकता नहीं बेचारा, परंतु इस छोटे से बच्चे के अंदर स्वभाव दिखाई दे रहा है, गुस्से में तम तम आ गया, शिकायत ईर्ष्या वैर विरोध डाह जलन और झगड़ा, ये 7 लक्षण उस बच्चे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बोलो राजा का बेटा ऐसा नहीं करता, नहीं तो चम्हार का बेटा ऐसा करता है। ये सारी चीजों का नाम ही मृत्यु है। मनुष्य शैतान की गिरफ्त में है, हर मनुष्य को छुटकारा चाहिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी संस्कृति का हो, हर एक का खून लाल है, हर एक के खून में 4 3 कणिकाएं हैं, हर एक के स्वभाव में 1 सा स्वभाव है और उसको इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु जब यीशु कहते हैं मैं इसलिए प्रकट हो रहा हूं कि मृत्यु का नाश कर दूं, अर्थात मनुष्य खून में, मनुष्य के DNA में, मनुष्य के स्वभाव में जहां कहीं भी दुराचरण नाम की चीज पाई जाती है उसको मनुष्य से हटाने के लिए ही मेरा धरती के अंदर में प्रकट होना और पैदा होना निहित है। वह कोई एक नई संस्था और एक नया धर्म बनाने नहीं आया भाई साहब, वो कोई एक नई जात, जैसा आज मेरे देश में भ्रांतियां हैं, जो यीशु के पीछे चल लेता है वह अपना धर्म छोड़ के ईसाई बन जाता और ईसाई धर्म के नाम से ईसा की शिक्षाओं को संबोधन दिया जाता। यह अज्ञानता पूर्वक ओछी वो मानसिकता है जिससे हम विराट सत्य से मानव को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है पर हर मानव को अपने इस दूषित स्वभाव से आजाद होने के लिए कहीं ना कहीं उस प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा जो अपने प्रकट होने से मृत्यु अर्थात आपकी मामा पिता के पूर्वजों के आदम से आने वाले दूषित स्वभाव को जो हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिए एक ही रास्ता है और वो है यह कि मसीह यीशु के प्रकट होने से मृत्यु का नाश हुआ, अर्थात वह अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे स्वभाव के दूषित आचरण के ऊपर अधिकार प्राप्त करके हमारे लिए रास्ता बन जाता है। चलना और नहीं चलना आपके हाथ में है। यहाँ से कलकत्ता तक हमने ट्रैक डाल दिया और ट्रैक के पीछे हमने अपने इंजन डिब्बे रूपी जीवन को खड़ा कर दिया और यदि आप उसमें इंजन नहीं लगाएंगे तो Yes. आज रास्ता आपके सामने है, इस रास्ते पर चलना आपका काम है और आपकी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मृत्यु ईश्वरीय स्वभाव का जाना, इसकी एक दूसरी परिभाषा जल्दी से हम आपके सामने रखेंगे, फिर आगामी सत्र में हम इस यीशु की और गहराई में जाएंगे। आखिर ये मसीह यीशु है क्या? अदन के बाग में मनुष्य जीवन में जो परिवर्तन देखे गए वो इस प्रकार से थे, जरा ध्यान से सुनिए। 3 अध्याय के यदि आप 10वें पद से पढ़ें तो 9वें पद से हम पढ़ेंगे, यहां ऐसे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अब तक नहीं डरता था,
पिता की खुशबू सुनते बराबर आदम और हव्वा दौड़ के जाते, अलौकिक देहधारी अलौकिक शरीरधारी पिता यहोवा परमेश्वर से मुलाकात होती, दोनों उसके बदन से लिपट जाते। पिता परमेश्वर भी उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, मेरे बच्चों तुम कैसे हो? क्योंकि आदम के स्वभाव में जो ईश्वरत्वता समाई थी, जिससे वह अपने परमेश्वर को फेस टू फेस आमने सामने देखने के काबिल था, वो देख सकता था पिता को, आत्मा को, वह उससे मिल सकता था, वह उसका आलिंगन कर सकता था। परंतु यह पहली दशा है जब उसने फल खाने के बाद परमेश्वर की आवाज सुनते बराबर यह कहा, मैं तेरी वाणी सुनकर डर गया। डर अब परमेश्वर के प्रति मनुष्य के अंदर भय समा गया है, क्योंकि पवित्रता के सामने अपवित्रता खड़ी नहीं रह सकती। ईश्वर के सामने शैतान का स्वभाव टिक नहीं सकता, उजियाले के सामने अंधियारा रह नहीं सकता। यही कारण है अब एक दूषित आत्मा की पकड़ आदम के जीवन के अंदर हो जाने के चलते परमेश्वर जैसे ही आदम के बाग में आया, मानो आदम जो है भयभीत हो गया, डर गया, घबरा गया, उसके सामने से भागने का प्रयास करने लगा। यही कारण है आज दुनिया सच्चे परमेश्वर से दूर भागती है, झूठे परमेश्वर के पास आने में उसे देर नहीं। नदी, पहाड़, लोहा, लंगड़ जो हमारी ही बनाई हुई सृष्टि है, हमने सृष्टि को सृष्टिकर्ता के रूप में संबोधन देने में देरी नहीं की। ये भी उस विश्व के तानाशाह शहंशाह का अधिकार क्षेत्र है, जो मध्य आकाश में रहकर मनुष्य के माथे पर अपनी लगाम लगाकर सच्चे परमेश्वर से भटकाने के लिए वह इन वस्तुओं को आराध्य बनाकर हमारे माथे पर हमें अर्चना करने के लिए विवश करता है। हम डिमनोलॉजी जब आपको पढ़ाएंगे तब ये बातें वहां पर आती हैं, ठीक है। शास्त्र में लिखा है मनुष्य परमेश्वर के सामने भयभीत हो जाता है। एक दारू पीने वाले को परमेश्वर के पास लाओ, वह कभी ना ठहरेगा। एक तंबाकू खाने वाले परमेश्वर के सामने बेचैन हो जाएंगे। आज एक चोरी करने वाला ऐसी सभाओं में नहीं आएगा। लुच्चाई और लफंगाई करने वाले के पास, वह कितना भी धर्मी और माना और जाना व्यक्ति हो, उसे अध्यात्म से कोई रुचि नहीं होगी, नहीं तो उसको नंबर दो का धंधा बंद करना पड़ेगा। याद रखिएगा, और यदि वो आराध्य के रूप में स्मरण कर भी रहा है तो गिराए हुए स्वर्गदूतों को ईश्वर समझ करके, जो उसे पाप करने की स्वतंत्रता देता है, परंतु जो पाप से मुक्ति दिलाता है, जो बिगड़े स्वभाव को बदल करके सही स्वभाव में लाने का प्रयास करता है, ऐसे परमेश्वर के सामने बिगड़ी चाल के अनुसार जीवन जीने वाला कदापि आकर के ठहर ना सकेगा, वो उसके सामने से भागने का प्रयास करेगा। यही कारण है आदम पुकार उठा, हे परमेश्वर मैं तेरी आवाज सुन करके डर गया। परमेश्वर के डर ने ही अनेक प्रकार के डर हमारी जिंदगी के अंदर पैदा कर दिए हैं। अब कितने लोग हैं जो डर जाते हैं, कितने लोग हैं जो डर जाते हैं, कितने लोगों को डर लगता है? हाँ, किसी को अंधेरे से डर लगता है, सांप से डर लगता है, किसी को छिपकुल्ली से डर लगता है, किसी को मरने से डर लगता है, किसी को एक्सीडेंट से डर लगता है, किसी को काकरोच से डर लगता है, किसी को मच्छर से डर लगता है, किसी को बीबी से डर लगता है, किसी को हस्बैंड से डर लगता है, किसी को सासूबाई से डर लगता है। पता नहीं कौन कौन सा डर जीवन के अंदर समाया रहता है। किसी को गणित से डर लगता है, किसी को केमिस्ट्री से डर लगता है, किसी को अंग्रेजी से डर लगता है। अरे वाह वाह वाह, बच्चे लोगों को भी डर लगता है ना, टीचर जी मारते हैं मैथ्स वाले तो डर लगता है। करोगे ना तो मार ना खाओगे, इनाम देंगे गुरु जी, पीछे से पहले नंबर पास होते हो, लड्डू अपेक्षा करते हो गुरु जी से, डर समझ आता है डर। हाँ, ये डर जो है ना विरासत में मिली अमानत है बेटा, ये मृत्यु की छाया है। जहां कहीं भी भय है, वो भय वहीं से शुरू हुआ। हम डर जाते हैं, आदम भी डर गया। आगे क्या लिखा हुआ है कि इसलिए वो छुप गया, इसलिए वो क्या हो गया, छुप गया। हम भी परमेश्वर से छुप जाते हैं। जितने लोग लंबे समय तक परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते ना, सुनो,
आज मसीह समुदाय के लिए, आज सुबह हम बता रहे थे कि परमेश्वर ने कहा था सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर के आओ। उसने हमें 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में से दशवा अंश उसको देना हमारा कर्तव्य होता है। नोट का ही नहीं वरन समय का भी। जब आप 24 घंटे में से 2.5 घंटे प्रभु के चरणों में, प्रार्थना में और उसका अध्ययन करने में गुजारते हैं, तो मान के रखो कि आपने दशवा अंश परमेश्वर को अपने समय का दिया। अब मुझे बताइए कितने लोग हैं जो 2.5 घंटे प्रभु के चरणों में नहीं रहते। ये एक एक बात बोले, कितने लोग 2.5 घंटा प्रार्थना करते हैं, मैं आपका हाथ देख सकता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली 2.5 घंटा कम से कम प्रभु के चरणों में रहते हैं, है ना? एक आदमी, बाकी कोई नहीं, पीछे पलट के कोई ना देखे। आपको मालूम है क्यों आपको समय नहीं मिलता? टीवी में 2 घंटे, अब एक ही बात बताइए, पेपर आपके हाथ में लगा, एक व्यक्ति पेपर पढ़ेगा, टाइटल टाइटल पढ़े ऊपर ऊपर का, तो कितना देर में सपाट करना चाहिए? नंबर वन, पूरे पेपर में रुचि के अनुसार समाचार हैं। कोई व्यापारी है तो व्यापारी वाला पन्ना पढ़ेगा, मारधाड़ वाला है तो कौन मारा किसने मारा ये पढ़ेगा, कोई खिलाड़ी है तो खेल वाला पन्ना पढ़ेगा, और कोई जो है राजनीतिज्ञ है तो राजनीतिज्ञ पन्ना पढ़ेगा। बताओ अपने हिसाब से, एक एक पन्ना पढ़े तो कितने देर में पेपर खलास होगा अपने इंटरेस्ट वाला? पूरा पढ़ोगे तो 3 से 4 घंटा लग जाएंगे। आप मत पढ़िए पूरा, अपनी रुचि के अनुसार पेपर पढ़िएगा। बोलो कितना देर तक चाटेंगे अपन? मिनिमम, अरे पढ़ने वाले बोल, मिनिमम 0.5 घंटा। इसका मतलब है 0.5 घंटा पेपर से चिपक गए तो निकलती नहीं है अपन। सीरियल कम से कम कितने मिनट का आता है? एक मिनिमम 15, फिर 0.5, और फिर 0.25 घंटा, और ज्यादा ही बड़ा है तो 1 घंटा। आप कोई भी ऐसा धुरंधर यहां नहीं है जो 15 मिनट बैठ के टीवी से ईमानदारी से उठ जाए। है कोई ऐसा जो 15 से 16 मिनट नहीं बैठता? भाई साहब अपन बैठे बैठे प्लेट पूरा किचन रूम जो है ना टीवी के सामने ला करके इधर के बजाय कई बार इधर डाल लेते हैं, हैं? पता चला प्लेट में रखी हुई रोटी और दाल खा गए, सब्जी वैसे ही बची है। इतने मग्न होकर के हम लोग कई बार टीवी देखते हैं, खाना ही भूल जाते हैं। पता चला हाथ धो के आ गए, खीर प्लेट में रखी हुई है, खाया ही नहीं हमने। सचिन तेंदुलकर के गुलाम, अरे कम से कम प्रभु के पीछे ऐसे चले होते ना तो पता नहीं कहां की कहां पहुंचा दिया होता। ये किताब सबसे कम, सबसे ज्यादा है बिकने वाली किताब विश्व के अंदर सबसे कम पढ़ी जाती है। अब हम फैमिली प्रेयर में वचन पढ़ने गए, बोलो हम एक अध्याय पढ़ते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया तो 10 पद आज पढ़ेंगे और 10 पद कल पढ़ेंगे। बताइए एक अध्याय पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? जोर से बोलो, एक अध्याय पढ़ने में 12, 15, 20 पद पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 मिनट रे भाई साहब। और बड़ा अध्याय हो गया 30 पद वाला, तो उसको 15 आज पढ़ेंगे और 15, बताइए मतलब 30 पद भी पढ़ने में मक्कारी। अब आप सोचिए कितनी कम पढ़ी जाती है किताब, शॉर्ट कंट एंड पोर्टेबल में। फिर जल्दी प्रभु ये दे दे, सीधे धन्यवाद कम करेंगे, ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे, जा रहा हूँ बचा के रखना, एक्सीडेंट से बचाना, ये करना वो करना, 150 नंबर की लिस्ट दिए, जल्दी प्रभु जाना है बोल करके घट से बंद करें, लाओ मेरा सूटकेस कहाँ है, टाई कहाँ है, और चलते चलते बांध के चले जाते। बताइए आप, है ना? 2.5 घंटे में से 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा होशियार हो तो 0.5 घंटा करके प्रार्थना। क्या सोचते हैं अपन? 0.5 घंटा, मामा कहती धर्मी बन रहा है, 0.5 घंटे तक दुआ करता क्या कोई? दिमाग खराब हो गया तेरा, ज़्यादा दुआ मत करना नहीं पागल हो जाते हैं। ले नानी ये बोल दी तो बच्चे कहाँ से रहेंगे? समझ में आ गई? क्यों भागते हो परमेश्वर की उपस्थिति से? कौन तुम्हें 2.5 घंटा प्रभु के चरणों में नहीं बैठने देता? छुप गया आदम, आदम छुप गया। मेरे भाई और बहनों, 2.5 घंटा बैठकर परमेश्वर के सामने खड़े रहने की हिम्मत आज मसीहियों के पास इसलिए नहीं है क्योंकि वह परमेश्वर से छुप गया है। अब आप बात मत करना कि मेरे को समय नहीं मिलता। भाई साहब समय तो समय ही समय आपका है, आपको किसी ने लंगर नहीं लगाया, आपको किसी ने कैद नहीं किया, परंतु कोई है जो आपको पीछे पकड़ के खींच के ले जाता है, आपको परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठने देता। अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जो 2.5 घंटा प्रभु के साथ नहीं बैठते ना, हेलो,
जो ढाई घंटा प्रभु के साथ नहीं बैठते ना, वह मान के चलो कि परमेश्वर से छुपने वाला रास्ता है जो आदम छुप गया है। समझ में आ गई? अदन की वाटिका में वो छुपा, काम धंधे में हम छुप जाते हैं, वो छुप गया, ठीक है। और लिखा है कि छुप गया और उसने कहा कि तुझे किसने चिताया कि तू नंगा है? वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे वरजा था, क्या तूने उसे खा लिया? अब जवाब सुनना, आदम ने कहा स्त्री की, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया, मेरी कोई गलती नहीं है। तात्पर्य यही है, देख लेना। हमने बोला तुम खाना खाए कि नहीं, तो सीधे बोलो हा या ना, फालतू का घुमा फिरा के अरे क्या बताएं, तुम्हारे घर में नौकर चाकर होता तब खाते ना, अरे सीधे सीधे बोलो ना नहीं खाया। कई बार हम भी थोड़ा टेढ़ा ही जवाब देते हैं, आदम के अंदर टेढ़ापन आ गया। परमेश्वर पिता ने पूछा तू क्यों छुपा रे बाबा, तो बोलता क्या तू नंगा है।